नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक, रुक करते हैं खबरों का। खबर नरसिंहपुर के गोटेगांव से, जहां गोटेगांव स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और जिले में कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। नरसिंहपुर के गोटेगांव स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व कल्याण सिंह एवं कोरोना काल में दिवंगत हुए जिले वासियों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य संस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतियों में माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह दौर आज़ादी के 75 वर्ष का और जो भी घटनाएं घट आई वह इतिहास का हिस्सा बनेगी। कोरोना काल में अपना जीवन समाप्त करने वाली जीवात्मा आए हो या कल्याण सिंह जैसे महापुरुष का जाना हो, मुझे लगता है इतिहास के इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे त्यौहार है वह व्यवहार को पुष्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन जो रक्षाबंधन या भुजनिया का त्यौहार है यह हमारे लिए अनुरव का त्यौहार होता है, लेकिन वह हमको सिखा रहा है, सीखने के लिए मजबूर कर रहा है और इस बात की भी ताकत दे रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इन परंपराओं को साथ बांध कर रखें। तो मुझे लगता है कि जो आदमी संबंध होते हुए जो सेवा करने की ताकत देते हैं वह बनी रहेंगी। कोरोना संकट काल में हमने देखा है कि निकटतम संबंधी अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर पाया, लेकिन कोरोना योद्धाओं ने जिन्होंने अपनी जान बाजी लगाकर सेवा की है, यह चीज़ आने वाली पीढ़ी अगर सीखेगी तो भारतीय संस्कृति का भला होगा, हम सभी यशस्वी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये दौर आज़ादी के 75वें वर्ष का है, वो जो घटनाएं घटेंगी वो इतिहास का हिस्सा है। वो कोरोना महामारी में अपना जीवन समाप्त करने वाली जीवात्माएं हों या फिर कल्याण सिंह जी जैसे महापुरुष का जाना, मुझे लगता है कि हम सबको इतिहास की इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे त्यौहार हैं वो व्यवहार को पुष्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन जो वर्तमान का चाहे भुजलिया हो या रक्षाबंधन हो, ये त्यौहार हमारी भाषा में अनुरव का त्यौहार होता है, लेकिन वो हमको सिखा रहा है, सीखने के लिए मजबूर कर रहा है और इस बात की भी ताकत दे रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इन परंपराओं को साथ बांध कर रखें। तो मुझे लगता है कि जो आत्मीय संबंध होते हैं, जो सेवा करने की प्रेरणा और ताकत देते हैं, वो बने रहेंगे। और कोरोना काल में हम सब ने देखा है, निकटतम संबंधी अपने संबंधों का निर्वहन नहीं कर पाया, लेकिन उन कोरोना योद्धाओं ने जिनने अपनी जान बाजी पर लगाकर सेवा की है, ये चीज़ें आने वाली पीढ़ी अगर सीखेगी तो भारतीय संस्कृति का तो भला होगा ही, हम सब यशस्वी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं उस अनूठे कार्यक्रम के लिए जो आयोजक हैं, सहयोग क्रीड़ा मंडल, जागृति कमेटी, मुन्ना भैया, उन सबको हृदय से मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उनने वो अवसर पैदा किया कि अब जो हर परिवार के सामने नहीं जा सकता, कम से कम सामूहिक रूप से उन शोक संतप्त परिवारों को हमने संबल देने की कोशिश की है और जो पुण्यात्माएँ गई हैं उनके हमने चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अनूठे कार्यक्रम के लिए भी मैं मानता हूं कि ये बेहतर तरीका है हमारी सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण का। गोटेगांव से अरुण लोधी की रिपोर्ट।